शेख, मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा तलाक बाइन बैनना सुगरा, तो आपने एक जी तरतीब और बताई, लेकिन अगर वो शौहर अगर तलाक दे 3 किस्तों में, रजाई तलाक दे, तो क्या वो बैनना सुगरा बन जाए, बैनना कोबरा बन सकती है? जैसे एक एक अभी तलाक दिया और उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर एक तलाक दिया, फिर उसके बाद दूसरे में तीसरा तलाक दिया, तो क्या ये बैनना कोबरा बनेगी या रजात रुजू करने के बाद ही बनाना सोगरा बनेगा? देखिए, जी बहुत सर, अच्छा सवाल है आपका। बहुत ये इस काल कई लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है। देखिए, किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया, पहली तलाक दिया, पहली तलाक देने के बाद इद्दत में चली गई, उसकी इद्दत कितने दिन रहेगी? अगली तीसरी माहवारी तक उसकी इद्दत रहेगी, जी तीसरी माहवारी खत्म होने तक। और हमने बताया कि 3 तलाकें एक साथ नहीं होनी चाहिए, 3 तलाकों के बाद बैनोना कुबरा होता है, लेकिन 3 तलाकें एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब कोई अगर ये पूछे कि भाई पहली बार में मैंने एक तलाक दिया, अब अगले महीने, उसके अगले महीने जबकि बीवी इद्दत के अंदर है, मैं उसको दूसरी तलाक देना चाहता हूं, और जब जो मैं दूसरी जी तलाक देना चाह रहा हूं, ये एक साथ तो नहीं हुआ, पहली तलाक तो 1 महीना पहले दिया था, अब जब बीवी इद्दत गुजार रही है तो उसकी इद्दत में 1 महीने बाद मैंने दूसरी तलाक दिया, उसके उसके 1 महीने और बाद मैंने उसको तीसरी तलाक दिया, तो मैंने 3 बार में 3 तलाक दिया, तो क्या ये बैनूना कुबरा हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि जब आपने पहली तलाक दे दिया तो क्या आपकी बीवी मुतल्लका हो गई कि नहीं हो गई? वो बीवी हो मुतल्लका गई है। अब मुतल्लका औरत को तलाक देने का क्या मतलब है? मुतल्लका औरत को तलाक कैसे दिया जा सकता है भाई? जब तक उस औरत से आपने रुजू नहीं किया, तब तक वो आपकी जौजियत में नहीं है, और किसी औरत को उसी वक्त आप तलाक दे सकते हैं जब मुकम्मल तौर से वो आपकी जौजियत में हो। जो औरत ऑलरेडी तलाकशुदा है, उसको आप तलाक कैसे दोगे? तो अगर कोई आदमी उसकी इद्दत में रुजू करने से पहले तलाक दे रहा है, तो उसका कोई एतबार नहीं, लगो है, ये बेफायदा चीज है। किसी मरे हुए आदमी को आप क्या मारोगे? मतलब ये जी दुनियावी आप मिसाल समझो। तो जो औरत पहले से तलाकशुदा है, उसको तलाक देने का क्या मतलब? तलाक तो आप अपनी बीवी को दे सकते हो, और वो अभी आपकी मुकम्मल तौर से बीवी नहीं है, लिहाजा इस तलाक का कोई एतबार नहीं है। हाँ, अगर आपने तलाक दिया, आपने इद्दत के अंदर रुजू कर लिया, रुजू करने के बाद दोबारा आप उसको तलाक दे सकते हो, लेकिन तलाक की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ कि वो हालत हैज में ना हो और ऐसी तोहर में ना हो जिसमें आप उससे मिले हों, इन तमाम शर्तों के बाद आप रुजू करने के बाद तलाक दे सकते हो, लेकिन जी रुजू करने से पहले तलाक का कोई एतबार नहीं है। जी जी भाई, ठीक है इब्ने मुबीन। मतलब ये है कि पहले रुजू करेंगे, फिर तलाक दें, फिर रुजू करें, फिर तलाक दें, फिर रुजू करें, फिर तलाक दें। जब तक वो आप अपनी उसको अपनी जौजियत में नहीं ले लेंगे, तब तक तलाक देने का इख्तियार ही नहीं है आपको, तो रुजू जी करने के जी बाद आप दोबारा दे सकते हो तलाक। जी जी जी